क्या लगता है 24 में वक्त बदलेगा क्या? कुछ नहीं बदला, बदलेगा। मोदी थे, मोदी हैं, और मोदी ही रहेंगे, है ना। कुछ भी गठबंधन करने से, कुछ भी ठगबंधन करने से नहीं होगा। और हम नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र से हैं, जहां उनका गृह क्षेत्र है, मैं वहां से बिहार से हूं, और 1989 से लेकर 1996 तक नीतीश कुमार जी हमारे क्षेत्र का सांसद रहे हैं, और उनके सांसद कार्यकाल में हमारे यहाँ उनके क्षेत्र में मैकडोवल बंद हो गया, सूता मिल बंद हो गया, ब्रिटेनिया बंद हो गया। तो किस बात का भाई आप विकास किए हो? घर तो संभल नहीं रहा है और पूरा प्रदेश का मुखिया बनने का सपना देखते हो, तो ये सपना सपना देश का देख रहे हैं, है ना। और ये जो मिल रहे हैं ना सभी लोग, उस पर मेरा एक कविता है, पानी से पानी मिले, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, है ना। बस ये लोग कीचड़ का जमावड़ा हो रहा है, और इस कीचड़ का जमावड़ा फिर से हम लोग साफ करके और कमल फूल माँ लक्ष्मी का लगाएंगे। माँ लक्ष्मी देश में विराजमान हैं और आगे भी रहेंगे, है ना। और रही बात केजरीवाल की और नीतीश कुमार की, तो जो अपने संसदीय क्षेत्र का नहीं हुआ सर, वो फिर देश का क्या होगा। इसके बाद हम बताते हैं 1999 से 2001 तक वो कृषि मंत्री रहे। आपको बता देते हैं कि उनके संसद क्षेत्र में, जहाँ से संसद रहा करते थे, उस क्षेत्र में 11,000 किलो वर्ग मीटर का टाल है जो पूरे देश को दलहन खिला सकता है। उसके साथ वो न्याय नहीं किए। अगर उसमें नहर योजना करके वो तीन फसला कर देते तो पूरा देश को हमारा वो 11,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दाल भी खिलाता, सब्जी भी खिलाता, और गेहूँ भी, ये चावल भी खिलाता। तो जब वो अपने क्षेत्र के साथ नहीं न्याय किए, जब क्षेत्र में उनको कार्य करने का शैली नहीं है, तो पूरा देश को कैसे संभालेंगे। अरे कहना, तेज प्रताप को बनाओ बिहार का मुख्यमंत्री, और उसके बाद नीतीश कुमार को बनाओ प्रधानमंत्री, तब देश बढ़िया से चलेगा। कौन तेज प्रताप यादव? वही तेज प्रताप यादव ने कौआ उड़, बउआ उड़, अब पुल उड़। आप अभी बहुत सारा ट्रेंड में देख रहे होंगे कि बिहार में पुल उड़ गया है, दो दो बार पुल उड़ा है। वही तेज प्रताप को हम लोग बनाएंगे ना, जिसके पिताजी पर हजारों कानूनी मुकदमा है, जो चारा घोटाला, जो पशु खाता है वो खा गए पशु का चारा, है ना। चारा खाया, बिहार को बेचारा बनाया, और जंगल राज के सरदार बनकर, है ना, आम जीवन को बेहाल किया। उस पिता के पुत्र को हम बिहार का राजकुमार बनने देंगे? कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अरे हैं परिस्थिति में, परिस्थिति में हैं वो, नीतीश कुमार जी के चंगुल में फंस गए हैं। वो जब जरूरत नीतीश कुमार का निकलता है तो अपनी वो औकात दिखा देते हैं। आपको बता देते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, जिसे जो तो पूरे देश में घूम घूम के सुनिए ना, हम बता रहे हैं, जो अपना क्षेत्र को नहीं हुआ, जो अपने मित्र का नहीं हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू का, और जरूरत काम निकाल कर उन्हें मक्खी की तरह फेंक दिया। भाजपा को उसी तरह से किया, आरजेडी को उसी तरह से किया। आपको बताते हैं ममता बनर्जी, जब ममता बनर्जी भाजपा के अंडर गठबंधन में थी और ये नीतीश कुमार उस समय थे, तो ममता बनर्जी को रेल मंत्री बनाया जा रहा था, और ये क्या किए, नखरा पैतरा देके खटवास में सूत गए कि नहीं, हम ही रेल मंत्री बनेंगे, हम मैकेनिकल इंजीनियर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, सुनिए सुनिए, पहले सुन लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हाँ, और जब बने तो रेल हादसा हुआ, उसके बाद पुच्छी झाड़ के भागे रेल से, है ना, हाँ। और उसके बाद बताते हैं आपको हम कि ममता बनर्जी भी रुष्ट होकर हमसे अलग हो गई। तो ये ममता बनर्जी के पास किस मुंह से जा रहे हैं? यही ना कि हम गद्दारी किए हैं और फिर हमको मौका दीजिए नीतीश कुमार जी को, हैं? यही नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी को रेल मंत्री नहीं बनने दिए थे, यही नीतीश कुमार जी वो गद्दारी किया है। नहीं सुनिए सर, सीएम है, ऐसा मत बोलिए। अरे हमारा भी सीएम है सर, हमारा गृह क्षेत्र का वो हिंदू है। हुआ बेटा किस काम का, जिसको बार बार मौका मिला और आज टाल को भी संभाल नहीं पाया। सब कुछ तो अच्छा कर रहा है, क्या खराब कर रहा है बताइए। हाँ बताइए, क्या बुरा कर रहे हैं? आपको किसी भी हाल में गद्दार करने का, मोदी जी के साथ थे तो गद्दार नहीं थे वो? नहीं नहीं, ममता बनर्जी साथ गद्दारी उन्होंने किया है, उससे आपको क्या लेना है, क्या लेना देना है? अरे आपका पूरा बायोलॉज बताएंगे ना सर, कि आप क्या किए हैं, आप क्या, मेरे गृह क्षेत्र से नीतीश कुमार, मेरे गृह क्षेत्र से नीतीश कुमार सांसद रहे हैं, मेरे गृह
अच्छे से सांसद रहे हैं वो, और वो गड़बड़ किए हैं। कुछ भी बोल रहे हो आप, मतलब कि क्या ऐसे बोल रहे? अरे भाई जान गद्दार कहेंगे यार, कैसे गद्दार भैया को, किस कैसे आपने कैसे, क्या पैरामीटर है गद्दारी का बता रहे हैं? मेरे सुने बार क्षेत्र, सुने एक मिनट सर पूरा सुन लीजिए। बीजेपी बनाया तो जिससे गिरा, बड़ा ठेकेदार तो बीजेपी है। ऐसे ही एक पत्रकार ने उनको उसी पर पूरा एक साल पहले, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मेरे गृह क्षेत्र से वो सांसद रहे, ठीक है, उनके सांसद कालकाल में मेरे यहाँ चार प्रमुख कंपनियां बंद हो गई, कुछ नहीं किए। 11,000 मोकामा, 11,000 वर्ग किलोमीटर मोकामा फतुहा टाल फैला हुआ है। वो टाल कृषि मंत्री बने 1999 से 2001 तक, उन्होंने कृषि मंत्री बनते हुए भी अपने गृह क्षेत्र का कार्य नहीं किया, अपने संसद क्षेत्र का कार्य नहीं किया, जिसमें वो राजनीति की शुरुआत की है, संसद क्षेत्र की शुरुआत की है। और कृषि मंत्री तो बीजेपी का था। अरे भाई वो क्या किए, उनका घर था, वो क्या किए, वो करते हैं, उनको बताइए ना वो क्या किए, उनका गृह क्षेत्र था, वो क्या किए? अरे वो हमारा घर का था, क्या किए वो, क्या किए? बिहार के सीएम तो अभी बने हुए हैं, ठीक है, 25 तक रहेंगे। सुनिए ना किसे सीएम है, उसके पेट में छुरा भोंक के उसके साथ, उसके भोंक के उसके साथ दल बदलू का काम क्यों कर रहे हैं? पलटू राम नाम क्यों पड़ा, क्यों पड़ा पलटू राम नाम, क्यों पड़ा बताइए, क्यों पड़ा पलटू नाम? गद्दार कह रहे हैं उनको। नहीं नहीं तो क्या हुआ, गद्दारी ने किए? अरे गद्दारी ने किए, पलट के इधर। 24 की बात में मोदी था, मोदी है, मोदी रहेगा, मोदी है, मोदी था, मोदी रहेगा। राहुल गांधी को क्या समझ है सर, जो राहुल गांधी के बारे में आप बोल रहे हैं, कुछ समझ है उनको राहुल गांधी को? राजनीति का कखा भी जानते हैं वो, कहते हैं सोना से आलू, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, वो हमारा देश का पीएम रहेगा। क्या बात आप कर रहे हैं, ये मोदी जी ही बोले थे, वो उसको डाइवर्जन कर दिया किसी ने। मोदी जी देखिए, ये मोदी जी बोले आप, मैं दिखाता हूँ आपको कौन बोला है, दिखाऊं क्या? अरे चलाएंगे आप, हमारे पास ही वीडियो है, आप हमारे पास छोड़िए, इनके पास ही वीडियो है उसके लिए। लाल और राहुल गांधी के वक्तव्य और राहुल गांधी के व्यवहार पूरा देश से छुपा नहीं है, उस पर चर्चा करना, बेसमय बर्बाद करना, वो कोई लायक नहीं है। विदेश में जाकर के इतना बोलते हैं, क्या विदेश में जाकर के बोलते हैं? अरे विदेश में क्या जाके बोलेंगे, वो प्रयास कर रहे हैं कुछ फंड हो जाए, कुछ चुनाव लड़ने का उनका सहायता मिल जाए, बोलने करने का उनके पास कुछ रहा नहीं, बाकी दौड़ने का है दौड़ने दीजिए। कहना बड़ा देश को ठगे हैं, मतलब कि ना कुछ रोजगार है ना कुछ है, बस ऐसे ही एक तरीके से देश को तो वो ठगे हैं सर। मोदी जी तो देश को मजबूत किया है, मोदी जी तो देश को खड़ा किया है, जीवंत किया है। सब कुछ किए हैं, युवाओं के लिए कौशल योजना चलाए हैं, हमारी माँ बहने बाहर शौच करने जाती थी, करोड़ों शौचालय दिए हैं महिलाओं के लिए, गैस सिलेंडर दिए हैं, उसके बाद धुआं को हटाए हमारे रसोई से, उसके बाद आपको बता देते हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर झुंगी झोपड़ी में सभी झोपड़ी को सफाई करके आप देखिए वहाँ मकान लहरा रहा है, गांव में दिख रहा है, है ना? कोरोना काल में भी इनका कार्य सराहनीय रहा। अखिलेश यादव भी इस समय बड़ा मेहनत बोलेगा नहीं, अरे अखिलेश यादव क्या करेंगे सर, अपने घर में मेहनत करते हैं, इनके उनके घर को कैसे संभालने के लिए। और रही बात अखिलेश यादव की, तो उनके पिताजी हिंदुत्व के साथ क्या किए हैं वो पूरा देश देखा है, वो सब चलने वाला नहीं है, ठीक है ना? देखिए ये अखिलेश की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 24 में कोई है नहीं मोदी जी के टक्कर के अलावा, क्योंकि देश और दुनिया चाहती है, यह तो मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया के लोग भी कह रहे हैं मोदी मोदी इज द बॉस, तो भारत के लोग क्यों नहीं? अब आते हैं दिल्ली और अखिलेश की बात कर रहे हैं, और आप केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं, और आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ये लोग बेरोजगार रहेंगे, जिनकी आप रोजगार की बात कर रहे हैं वो लोग बेरोजगार रहेंगे आजीवन, उनके उनको जनता रोजगार ही नहीं देना चाहती उनको, आप उनको कैसे रोजगार मिलेगा? राहुल गांधी जी को देश चुनना ही नहीं चाहता नेता, तो वो लोग रोजगार चाहते हैं कि हमें कैसे प्रधानमंत्री बने, हम कैसे मंत्री बने, हमारी सत्ता कैसे देश में समाहित हो, तो देश की जनता नहीं चाहती, वो लोग आजीवन बेरोजगार ही रहेंगे। अब आती है बात दिल्ली और केजरीवाल की, आप केजरीवाल और राहुल गांधी को मैंने कहा, वही तो मैंने आपको कहा कि आप उसको बेरोजगार, वो बेरोजगार बेरोजगार कहता है ना, बेरोजगारी है रो, राहुल बेरोजगार है, इसलिए वो दुनिया देश को कह रहा है कि बेरोजगारी है। साथे बताइए उनको एक तरीके से वो करा दिया गया, सांसदी छीन ली, सांसदी उसकी क्यों छीनी गई, क्यों छीनी गई? देश के सामने है, आप किसी एक जाति विशेष को चोर कहोगे और कहोगे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो न्याय केवल
दो देश के लोगों के लिए नहीं, भारत के लोगों के लिए। जो नेता आप नेता हैं तो आपके लिए भी वही न्याय प्रक्रिया है, एक आम आदमी के लिए भी वही न्याय प्रक्रिया है। तो आपको, आपने गलती की और उस गलती की आपको सजा मिली, और उस गलती की आपको सजा मिली। अब आती है बात सत्ता के ऊपर। सत्ता आपको देश की जनता देगी नहीं, 2024 में आस नहीं देगी, 2024 में आस लगाए बैठे हैं। 2014 से पहले इनकी सत्ता किस लिए गई थी? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, काली कमाई के मुद्दे पे और काली चोरी के मुद्दे पे, जिन्होंने देश के अंदर कुछ नहीं किया 70 साल में। और इन 9 सालों में देश की जनता ने भली भांति देखा है कि देश के लिए मोदी जी ने क्या किया है, क्या क्या तप किए हैं। भारत विदेश का प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपने देश में अपने लोगों के बीच, अपने देश में अपने लोगों के बीच, विपक्ष के नेताओं के बीच वो बोलता है मोदी इज़ द बॉस, ऐसे नहीं बोलता। दूसरे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के पैरों को छूता है। ये भारत की ताकत है, भारत की ताकत बड़ी है। 9 साल में जो काम हुए हैं पिछले 70 साल में, कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचेंगे। और उनको रात दिन ऐसे सपने आ रहे हैं, मोदी मोदी सपने में आते हैं, जैसे केजरीवाल कहता था ना, ये देश की सोने की चिड़िया 60 सालों पे बनाया कांग्रेस ने। क्या कह रहे हैं? देश को कांग्रेस ने बनाया, ये 60 सालों की मेहनत है, ये जो भारत आज है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जन्मा है, कांग्रेस ने देश को तोड़ने की साजिश, कांग्रेस ने देश को बांटे हुए हैं, कांग्रेस ने हर वो चीज़ किया है जिसे लोगों में गुमराह फैली। और इन 9 सालों में आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए आप, मेडिकल को देखिए, एम्स को देखिए, विकास बह रही है, विकास की बयार है, और विकास की बयार में जनता खुश, विकास की बयार है और जनता की सरकार। फिलहाल